केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर 8। लास्ट टाइम हम लोगों ने अल्केन्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और रिएक्टिविटी डिस्कस की थी। आज हम अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। केमिकल की क्या स्पेलिंग होते हैं? केमिकल, यस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे अल्केन्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले, यदि आपके बुक को फॉलो करते हुए, हमारी सबसे पहली जो चीज़ है वो है कम्बशन। कम्बशन एनालिसिस करेंगे हम सबसे पहले अल्केन्स का। कम्बशन बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं? कम्बशन ऑक्सीजन की एडिशन जब होती है किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर। वह हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा? फ़िलहाल हम कोई भी ले सकते हैं, एज इन अगर मैं CH3, CH2, CH3, मतलब ये अगर मैं कोई हाइड्रोकार्बन लूँ, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है और साथ में एनर्जी लिबरेट होती है इस रिएक्शन में, ठीक है। इस पूरे रिएक्शन को हम कम्बशन बोलते हैं, ठीक है। कंप्लीट कम्बशन का मतलब ये होता है, कंप्लीट कम्बशन अगर हो रही है किसी चीज़ की, कंप्लीट कम्बशन, तो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का होना, वाटर का होना और एनर्जी लिबरेट होना ज़रूरी है, ठीक है। कम्बशन में हमेशा एनर्जी लिबरेट होती है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ कम्बशन या मोलर हीट ऑफ कम्बशन, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि एक मोल जब ऑक्सीजन के साथ कम्बस्ट होता है तो कितनी डेल्टा एच या हमें वैल्यू मिलती है डेल्टा एच की, कितनी एनर्जी लिबरेट होती है, ठीक है। अगर इन केस ऑफ हम मीथेन बात करें तो ये आपके पास है मीथेन, ठीक है, और मीथेन के अंदर इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं हम, ठीक है। एक तरह से कम्बशन ऑक्सीडेशन है हमारे पास, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, और साथ में हमें एनर्जी मिलेगी ऑलमोस्ट 890 किलो जाउल्स पर मोल। और ये पर मोल है इसीलिए ये बेसिकली हीट ऑफ कम्बशन है। 890 इज़ द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ कम्बशन फॉर मीथेन, ठीक है। अब बेसिकली मीथेन का रिएक्शन अगर आप थोड़ा डिटेल में जाओ कि ये कैसे होता है, CH4+2O2। अब देखो, ये रिएक्शन उस वक्त तक प्रोसीड नहीं करेगा जब तक CH4 के जो बॉन्ड्स हैं ये टूट ना जाए, ठीक है। और इन बॉन्ड, ये जो बॉन्ड्स हैं ये तभी टूटेंगे अगर आप कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करोगे। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी? स्टार्टिंग में आपको पहली दफ़ा कोई फ्लेम देना पड़ता है, ठीक है, या कोई एक स्पार्क देना पड़ता है, ठीक है, या हल्का सा टेम्परेचर रेज करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पहली दफ़ा उसको एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं ना एक्टिवेशन एनर्जी, वो मिल जाती है और आगे फिर रिएक्शन खुद ब खुद प्रोसीड होता रहता है, ठीक है। तो ये आपका है सिंपल कम्बशन, मीथेन की कम्बशन। अच्छा, कम्बशन में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही बने, ठीक है। अगर कोई सल्फर का कंपाउंड है, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड कह लें या कुछ भी सल्फर का कंपाउंड है, और उसको आप कर रहे हैं तो फिर आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और अगर कोई नाइट्रोजन का कंपाउंड है तो फिर आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। आपके पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनते हैं डिपेंडिंग के आपके रिएक्टेंट्स क्या हैं, कम्बशन आपकी किस चीज़ के साथ हो रही है। नॉर्मली कम्बशन ज़रूरी नहीं है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही हो, कम्बशन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन भी होती है, ठीक है। बेसिकली कम्बशन का ताल्लुक, कम्बशन को फिज़िकली हम इस टेम्परेचर से मैयर करते हैं कि अगर अब बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट हो रही है तो हम इसको कम्बशन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास होगी सिंपल कम्बशन, और ये जो कम्बशन है ये एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ होगी, ठीक है। जो आपको अभी मैंने ऑक्सीजन के साथ बताई है ना CH4 का रिएक्शन, ये एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ ही होता है, ठीक है। नॉर्मली जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर अल्केन्स ही बर्न हो रहे होते हैं, अल्केन्स, ठीक है। आपने पीछे फ्यूल वाला इसी चैप्टर 7 के अंदर देखा था कि जो गैसोलीन है, गैसोलीन वो हाई ऑक्टेन नंबर के साथ जो आपने वहाँ पे देखी थी 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये जो आपने कंपाउंड देखा था, ठीक है, ये जो था ये बेसिकली एक ऑक्टेन है, ये आइसो ऑक्टेन आप इसको बोल सकते हो, आइसो ऑक्टेन, ये जो है ये बेसिकली अगर आप गौर करो तो ये एक अल्केन है,
और इस अल्केन की भी कंबशन जब होती है गाड़ियों के अंदर, तो फिर हमें जो हीट लिबरेट होती है, ये हीट क्या करती है फिर, ये हीट आगे इंजन को रन करती है, ये इंजन में एज अ फ्यूल यूज़ होती है। ठीक है, तो इंटरनल कंबशन इंजन जो होते हैं हमारे पास, इंटरनल कंबशन इंजन जिनके अंदर हमारे पास एक अदद पिस्टन होता है, ठीक है, और ऊपर आपके पास दो वॉल्व्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, जिसे एक से एयर इनलेट है, एक एयर आउटलेट है, यहाँ पे पिस्टन मूव करता है एक सिलेंडर के अंदर, ठीक है, और जब ये पिस्टन ऊपर जाता है तो ये सक करता है, जब ये नीचे आता है तो ये प्रेशराइज करता है, और जब ऊपर जाता है तो फिर उसी एयर को वापस सक इन कर लेता है बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये जो सिंपल पिस्टन इंजन है, इसके अंदर जो आपकी बर्निंग होती है, ठीक है, बर्निंग या कंबशन, ये हम जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो इसमें गैसोलीन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें और फ्यूल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं जो आगे मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल नॉर्मली इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर अल्केन्स यूज़ होते हैं, ठीक है, और ये हाईली एफिशिएंट इनकी बर्निंग होती है, हाईली एफिशिएंट होते हैं ये, अगर आप कोई और फ्यूल यूज़ करो तो इतना एफिशिएंट नहीं होता इंटरनल कंबशन इंजन के लिए। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा टॉपिक है आपके पास आज, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सिंपली, आप मीथेन अगर ले लो, मीथेन के अंदर आप अगर ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, अभी तक जो आपने रिएक्शन देखा है वो भी तो यही था ना, मीथेन था और बीच में ऑक्सीजन ऐड हुआ था, लेकिन वो जो थी वो कंबशन थी और वो एक्सेस अमाउंट में ऑफ ऑक्सीजन था। ठीक है, अब आप लिमिटेड सप्लाई अगर ऑक्सीजन का है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो उसमें आपके पास क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, साथ में आपके पास वाटर बनता है और साथ में आपके पास कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में होता है। अब अगर आपको मैं कहूँ कि इस रिएक्शन को आपने बैलेंस करना है, सो इसकी जो बैलेंसिंग है वो एज इट इज आप कर भी सकते हो, और एज इन इसकी बैलेंसिंग ये है, दो कार्बन मोनोऑक्साइड, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और एज इन ये एग्जैक्टली आपकी बुक से मैंने फॉलो किया, तो ये आपकी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के अंदर यूं आपकी कंबशन हो। आपने जो याद रखनी है वो बात सिंपली ये है कि एक कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और एक कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो हम सर्दियों में जब हीटर्स यूज़ करते हैं ना, हीटर्स, लेट से ये एक रूम है पूरा, और इसमें इस कॉर्नर पे एक हीटर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब होता ये है कि हीटर क्या करता है कि हीटर के अंदर से गैस आ रही होती है, वो बेसिकली मीथेन ही आप समझ लो कि मीथेन अल्केन्स होते हैं, वो भी वो गैस आ रही है। ठीक है, और वो जो गैस है वो बर्न हो रही है, वो कंटिन्यूसली जब बर्न हो रही है नेचुरल गैस, तो क्या हो रहा है कि इस एरिया से ऑक्सीजन कम होती जा रही है, बिकॉज बर्निंग का मतलब ही यही है कि ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज होती जा रही है, और कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है और ऑक्सीजन जो है वो कम होती जा रही है। एक वक्त ऐसा आएगा कि इस हीटर के करीब करीब से ऑक्सीजन खत्म ही हो जाएगी सारी, और फिर आपके पास बहुत कम ऑक्सीजन रह जाएगी। ठीक है, वो जब बहुत कम ऑक्सीजन होगी, लिमिटेड सप्लाई होगी ऑक्सीजन की, तो फिर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लग जाएगा। ठीक है, और नॉर्मली जो हम लोग रात को हीटर ऑन करके सो जाते हैं ना, वो डेथ हो जाती है, वो बेसिकली इस कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होती है। ठीक है, ये बहुत टॉक्सिक गैस है, ये आप इसको इनहेल जब करते हो ना, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलता और आपकी डेथ हो जाती है। ठीक है, बिकॉज आप तो नॉर्मली यही समझ रहे होते हो, आप सांस ले रहे हो, आपको ये बिकॉज इसकी आपको सेंट वगैरह फील नहीं होता है, इसका ऑर्डर ये जो भी है। ठीक है, तो होता ही है कि आपकी डेथ हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता, सो ये बहुत डेंजरस है। ठीक है, इसके बाद एक और किस्म की ऑक्सीडेशन होती है अल्केन्स की, जिसको हम बोलते हैं कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एक बर्निंग देखी है, या सिंपली जिसको कंबशन बोलते हैं, दूसरा हम लोगों ने लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के अंदर देखा, लेकिन अभी हम लोगों ने कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया था। अब हम क्या करने लगे हैं कि अगेन एक मीथेन लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर से हम ऑक्सीजन, ये नेसेंट फॉर्म में यहाँ पे ऑक्सीजन आपको शो हो रहा है, बेसिकली हमने नेसेंट प्रोड्यूस नहीं करना होता, हम सिंपली ये करते हैं कि मीथेन के अंदर से ना रेड हॉट कॉपर यूज़ करते हैं, रेड हॉट कॉपर, इसको मैं रेड से ही लिख देता हूँ, रेड हॉट कॉपर। ठीक है, रेड हॉट कॉपर, ऑफ कोर्स कॉपर को रेड हॉट करने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, नॉर्मली ये टेम्परेचर हम 350 से लेके 450 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हम लोग रेज करते हैं। ठीक है, और प्रेशर जो है 200 एटमोसफेयर प्रेशर हम लोग लगा देते हैं, 200 ATM प्रेशर का मतलब है कि नॉर्मली जो हमारा पूरी अर्थ के ऊपर जो हर वक्त प्रेशर लग रहा है वो 1 ATM होता है, ठीक है, या 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, पास्कल्स, या 760 टॉर्स। ठीक है,
या बार्स बन बार 1.015 बार कह लो, मतलब जो भी कह लो, तो इससे 200 गुना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर की बात हो रही है इस रिएक्शन में, ठीक है। इतना सारा प्रेशर लगाने के बाद, और अगर आप कॉपर, कॉपर सॉलिड होता है ना, कॉपर को आप रेड हॉट कर दो और उसको आप मीथेन के अंदर से पास करो, तो खुद ब खुद जो ऑक्सीजन है ना, वो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो नॉर्मल ऑक्सीजन रहेगी, वो आपके पास इसी नेसेंट फॉर्म में होगी, ठीक है। और होता यह है कि ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मीथेन जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और क्या ऑक्सीडाइज होके क्या बनेगा, CH4 था ना पहले, C चारों तरफ H लगा हुआ था, अब क्या होगा कि इसके तीन तरफ H लगा हुआ होगा और चौथी तरफ एक ऑक्सीजन और उसके साथ एच लगाओ। ये जो ऑक्सीजन है ये एग्जैक्टली इस लोकेशन पे बीच में आके फिट हो गया, ठीक है। अब अगर आप गौर करो ये क्या बन गया, CH3OH। CH3OH किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये एक अल्कोहल है, ठीक है, और ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है OH के साथ, तो मिथाइल अल्कोहल है ये, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, जिसको हम मिथेनॉल भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास मिथेनॉल प्रिपेयर हो गया। अब अगर आप मजीद मिथेनॉल के अंदर अगेन इसी तरीके से रेड हॉट कॉपर अगर आप पास कराओ इसी टेम्परेचर पे, बहुत हाई टेम्परेचर 400 के लगभग और 200 ATM प्रेशर के ऊपर, तो फिर मिथाइल अल्कोहल जो है ये फॉर्मेल्डिहाइड की शक्ल इख्तियार कर देगा, HCHO, और साथ में आपके पास वाटर लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। ये O पहले आके इसके साथ अटैच होगा, ठीक है, तो फिर एक H2O दूसरी साइड से सेपरेट हो जाएगा और HCHO पीछे बच जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बच गया, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, इसी फॉर्मेल्डिहाइड को अगेन इसी रिएक्शन के अंदर से पास कराते हो, ठीक है, सेम कंडीशंस, और फिर आपके पास फॉर्मिक एसिड बन जाता है, फॉर्मिक एसिड। अच्छा, एल्डिहाइड ये जो ऊपर बना था ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसे बना है। देखो एल्डिहाइड मैंने बताया था ये चीज़ होती है कि HCOO होता है और एक तरफ को एच लगा हुआ होता है और दूसरी तरफ को कोई अल्काइल चेन होती है, वो अल्काइल चेन अगर सिंपल एच है तो इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, अगर वो CH3 है तो इसको एसिटल्डिहाइड कहते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। एल्डिहाइड ये जो इसको मिथेनल भी कहते हैं, मिथेनल, ठीक है, जिस तरह मिथेनोल ओल होता है अल्कोहल्स के लिए और आल होता है एल्डिहाइड्स के लिए, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट बन गया फॉर्मिक एसिड और COOH ऑफ कोर्स इसमें होना चाहिए फिर, क्योंकि ये एसिड है, एक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन गया, ठीक है। COOH आपका एक तरफ को हो गया और दूसरी तरफ को आप सिंपली एच लगा दो, HCOOH, ठीक है, HCOOH आपके पास बन गया, ठीक है। और अब अगेन आप HCOOH के अंदर मजीद ऑक्सीजन इसी तरीके से डाल दो, ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन में लिख रहा हूँ, वैसे ही एक्चुअली चेन रिएक्शन होने लग जाता है, ठीक है। तो आपके पास फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये जो ऊपर रिएक्शंस मैंने एक्सप्लेन की हैं इनमें आपको जो याद होनी चाहिए वो बात सिंपली ये होनी चाहिए कि अल्केन जो है वो चेंज हो जाता है अल्कोहल के अंदर, किस तरह, सिंपली ऑक्सीडेशन से, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट कॉपर एंड 200 ATM प्रेशर, ठीक है। आपने अल्केन से अल्कोहल बनाना है तो आप सिंपली ये प्रोसीजर अडॉप्ट करोगे और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। आपने अल्कोहल से अगर अल्डिहाइड बनाना है तो आप अगेन यही काम करोगे, आपने अगर अल्डिहाइड से एसिटिक, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो अगेन आप यही काम करोगे, और अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड वो वाटर की फॉर्म में जाना है तो आप अगेन यही काम करोगे, ठीक है। ये रिएक्शंस बहुत ही यूजफुल हैं नॉर्मली जब आपकी कन्वर्जन होंगी ना इस चैप्टर के एंड पे, उसमें आपने यही चीज़ यूज़ करनी होती है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा कि आपने मीथेन से आपने इथेनॉल बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप मीथेन को इथेन बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। मीथेन से इथेन बनाने के लिए आपके जहन में सब पहली चीज़ आनी चाहिए कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ठीक है। तो कोल्स मेथड जब आपके जहन में आएगा तो फिर आपके जहन में ये आएगा कि आपको मीथेन का क्या चाहिए, आपको मिथेनोइक एसिड चाहिए और उसका सोडियम सॉल्ट चाहिए, तो मीथेन से मिथेनोइक एसिड कैसे बनेगा, जिस तरह यहाँ पे मीथेन से मिथेनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड बना था, ठीक है, जैसे यहाँ पे ही आपके पास फॉर्मिक एसिड को हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, मिथेनोइक एसिड।
ये जो मैं टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ ना, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और इसकी एल्डिहाइड्स की फॉर्मिक एसिड ब्ला ब्ला, ये सारी आपको आगे चैप्टर 13, 12, 11 के अंदर क्लियर हो जाएंगी सारी, बिकॉज इनका नॉमेनक्लेचर अभी हमने पढ़ना है। सो एथेनॉल कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से आप उसमें चले जाओगे, फिर उससे आप कोल्ब से सिमेट्रिकल चेन एक्सटेंड कर दोगे, मीथेन को आप ईथेन में चेंज कर दोगे, और सिंपली ईथेन को एक दफ़ा आप ऑक्सीडाइज करोगे तो आप दोबारा करस्पॉन्डिंग इथेनॉल के अंदर आ जाओगे, ठीक है। इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। सो दैट्स इट अबाउट कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन इसको इस वजह से कहते हैं बिकॉज हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हुए ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशल कंडीशंस के अंदर। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है नाइट्रेशन, इसको मैं जल्दी जल्दी से कवर कर देता हूँ। नाइट्रेशन जो होती है वो सिंपली ये होता है कि आप जो HNO3 है ना, नाइट्रिक एसिड, HNO3 को आप यूँ भी लिख सकते हो OH और NO2, ये नाइट्रो ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में बॉन्डेड है, ठीक है। तो नाइट्रो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कम्बिनेशन है, और HNO3 के अंदर से जो नाइट्रो ग्रुप है ना, ये अटैक करता है आपके मीथेन को, ठीक है। मीथेन इस तरह की चीज़ होती है ना, CH4+HNO3 अगर आप कर देते हो, तो NO3 का जो NO2 वाला हिस्सा है ना, ये अटैक करता है इसको और इस हाइड्रोजन की जगह आके ले लेता है, ठीक है। और क्या हो जाता है, बाकी कंपाउंड उसी तरीके से रहता है, ठीक है, और यहाँ पे NO2 आके लग जाता है, ठीक है। और जो NO2 था और दूसरी चीज़ OH था ना, तो OH इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके साथ में दूसरी चीज़ वाटर बना देता है, ठीक है। तो ये आपके पास वाटर और साथ में एक वो बन जाता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रो मीथेन, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई और भी अगर कंपाउंड लेते हैं और उसके साथ भी आप रिएक्शन कराते हैं, मसलन आप CH3, CH2, CH3 के साथ रिएक्शन कराओ HNO3 का, तो अब क्या होगा, अगेन नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा, लेकिन कहाँ जाके अटैच होगा, इन तीनों के साथ। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा अटैच होने का जो चांस होता है ना, वो उस कार्बन के साथ होता है जिसके साथ हाइड्रोजन सबसे कम है, ठीक है, यानी इस दरमियान वाले के साथ जाके इसके अटैच होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ बन जाएगी, CH3 C के ऊपर एक तरफ को H लगा हुआ, एक तरफ को NO2 लगा हुआ, और फिर आगे अगेन CH3, ठीक है। तो आपके पास यूं करके बन जाएगा एक नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। ये जो ऊपर मैंने आपको, ये जो नीचे वाली बात बताई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका उस कार्बन के साथ जाके ये अटैच हो जाएगा, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है कि जिसके साथ हाइड्रोजन कम है, ठीक है। आपको फाइनली एक मैं बात बता दूं, एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है इस नाइट्रो मीथेन से कंसर्निंग, नाइट्रो मीथेन जो भी मैंने आपको बताया था, नाइट्रो मीथेन क्या चीज़ है, CH3NO2, ठीक है। मीथेन के अंदर से एक हाइड्रोजन हटा हुआ है और वहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये अभी मैं एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देख रहा था विकीपीडिया पे कि 1995 के अंदर एक टेररिस्ट एक्ट हुआ था यूएस के अंदर, यूएस में ओक्लाहोमा स्टेट के अंदर, और वहाँ पे ओक्लाहोमा सिटी यूएस के अंदर एक मिकवे नाम से कोई एक बंदा था, कोई टेररिस्ट था, और उसने बॉम्बिंग की थी, ठीक है। और उसने बॉम्बिंग में क्या किया, इतना शदीद किस्म का वो बॉम्ब था कि उससे 168 डेथ्स हो गई थी, ठीक है, 680 जो लोग थे वो इंजर हुए थे, ठीक है, और 324 बिल्डिंग्स जो हैं वो तबाह हो गई थी। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लो कि 324 बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचा था, एग्जैक्टली तबाह नहीं हुई थी, और तकरीबन 65 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ था यूएस को, ठीक है, इन बॉम्बिंग, इस सिंगल सिंगल एक बॉम्ब की वजह से। सुबह 9 बजे के करीब ही इस बंदे ने ये बॉम्ब फिट किया था यहाँ पे, और बेसिकली इस बंदे ने ये बॉम्ब खुद बनाया था, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बॉम्ब असल में पता है क्या था, ये बॉम्ब जो था ये नाइट्रो मिथेन था, ठीक है। और नाइट्रोमीथेन इसके अंदर 500 kg नाइट्रोमीथेन को अमोनियम नाइट्रेट के अंदर मिक्स किया गया था, ठीक है, और इन दोनों को मिक्स करके एक बॉम्ब बनाया गया था, ठीक है। ये बेसिकली नाइट्रोमीथेन जो भी मैंने आपको ऊपर पढ़ा है, ये इंतहाई एक्सप्लोजिव मटेरियल है, ठीक है, जो बनाना बहुत सिंपल है जैसे मैंने आपको इस तरह बताया, ठीक है, लेकिन ये इंतहाई एक्सप्लोजिव है, और ये खुद इतना एक्सप्लोजिव नहीं है, लेकिन जब अमोनियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो फिर ये बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव बन जाता है, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको नाइट्रोमीथेन के हवाले से ये बताऊं कि जो अक्सर आप रेसिंग गेम्स खेलते हो ना,
रेसिंग गेम्स, रेसिंग गेम्स के अंदर लाइक मुझे शौक था एक ज़माने में नीड फॉर स्पीड अंडरग्राउंड खेलने का, और मैं काफ़ी आगे तक चला गया था उसमें। तो उसमें वो जो आप कभी प्रेस करते हो ना स्पेस बार, जैसे नाइट्रो ऑन हो जाता है गाड़ी के पीछे, नाइट्रो वहाँ पे लिखा होता है, नाइट्रस मीटर और नाइट्रो, वो बेसिकली नाइट्रो मीथेन होता, नाइट्रो मीथेन, बिकॉज ये इसके अंदर बर्न होने की टेंडेंसी है, ठीक है। और नाइट्रो मीथेन पे अगर आप गौर करो, नाइट्रो मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH3NO2। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप CH4 को बर्न करो और उससे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बने, वाटर बने और साथ में एनर्जी लिबरेट हो, आप क्यों ना ऐसा करो कि आप CH3NO2 को बर्न करो, ठीक है। इससे आपके पास भी कुछ ना कुछ बनती जाएंगी चीज़ें। फ़ायदा इससे ये होगा कि चूंकि CH3NO2 में पहले से ही कुछ ना कुछ ऑक्सीजन है, तो बहुत ही लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के अंदर भी कंबशन हो जाती है, लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो जो रॉकेट फ्यूल होता है ना, रॉकेट बहुत हाइट पे चले जाते हैं ना, वहाँ पे तो एयर बहुत कम हो जाती है, एयर की डेंसिटी, ठीक है। तो वहाँ पे आप नाइट्रो मीथेन को इस्तेमाल कर सकते हो एज एन रॉकेट फ्यूल, ठीक है। और एज एन फैक्चुअल फिगर्स के ऊपर आप जाओ, तो मैं देख रहा था कि अगर 1 किलो आपने गैसोलीन बर्न करना है ना, गैसोलीन जो आप नॉर्मली इंजन्स के अंदर होता है, अगर 1 किलो आपने गैसोलीन जलाते हो ना, तो आपको 15 किलो हवा चाहिए होती है उसके साथ, ताकि वो ऑक्सीजन उससे ले और फिर वो बर्न हो, ठीक है, पिस्टन इंजन्स के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 किलो नाइट्रोमिथेन लो, ठीक है, और नाइट्रोमिथेन अगर 1 किलो आप बर्न करो, तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 किलो हवा चाहिए, ठीक है। तो यहां से आप देखो कि कितना एफिशिएंटली आप नाइट्रोमिथेन के साथ इंजन को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन नाइट्रोमिथेन का एक थोड़ा सा नुकसान भी है कि ये जो एनर्जी अब लिबरेट होती है ना, ये थोड़ी सी कम होती है, गैसोलीन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन फिर भी ओवरऑल नाइट्रोमिथेन ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। तो इसको हम फ्यूल के लिए भी यूज़ करते हैं, इसको हम बॉम्बिंग्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। मेरा मकसद आप लोगों को टेररिस्ट बनाना नहीं है, जिस वो जस्ट टू टेल यू कि ये कितना काम का कंपाउंड है ये जो आप नाइट्रोमिथेन देख रहे हो, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज जो अभी तक हमने देखी हैं, वो कौन कौन सी देखी हैं। एक हम लोगों ने कंबशन देखी है, ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने दो किस्म की ऑक्सीडेशन देखी हैं, ठीक है, और फिर लास्टली हम लोगों ने एक नाइट्रेशन रिएक्शन देखा, ठीक है। नाइट्रेशन रिएक्शन ये हाई टेम्परेचर के ऊपर होता है, मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है। तो नाइट्रेशन, कंबशन और ऑक्सीडेशन के बाद हमारे जो नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग चीज़ डिस्कस करेंगे, वो होगी हेलोजिनेशन, जो कि अल्केन्स का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग अल्कीन स्टार्ट करेंगे।